हेलो एवरीवन, मैं हूं दे परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज। आज मैं 9th क्लास की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है उसके लास्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, और वो टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हम जो है वो बहुत सारे लेक्चर जो है वो बना चुके हैं। लेकिन आज जो है इस टॉपिक के लास्ट सेगमेंट पे हम जो है वो लास्ट लेक्चर बना रहे हैं, और वो लेक्चर हमारा है मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे पहले जो है वो प्लांट लाइफ के एक सेगमेंट के साथ जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्शनल लेक्चर जो है वो भी मेरे चैनल पे जो है अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस लिंक पे जो है जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो यूनिसेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इनमें बाकी एग्जांपल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो भी लेक्चर नहीं देखा तो आप इस लिंक पे जो है जाके वो भी लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉल्वॉक्स के एग्जांपल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी जो है इस लिंक पे लेक्चर मौजूद है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आ गया था मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो टाइप की लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, एक प्लांट एक एनिमल। तो प्लांट का जो है वो मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेगमेंट जो है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखा तो आप इस लिंक पे जाके वो भी देख सकते हैं। और आज जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है एनिमल का एग्जांपल, जो हम फ्रॉग को लेके यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल लाइफ आ जाती है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो विच इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, ऐसे एनिमल जिनका जिनकी बॉडी जो है या जिनका जो जिस्म है वो एक से ज़्यादा सेल पे जो है वो मुश्तमिल हो, तो हम उसे जो है मल्टी सेलुलर एनिमल जो है समझेंगे, लाइक फ्रॉग, लाइक ह्यूमन बींग, एलिफेंट एक्सेट्रा। और उस जानदार का जिस्म जो है वो बहुत सारे सेलों से जो है बना होता है, ऐसी बॉडी जो है वो एडवांस लेवल की होती है, उसमें एडवांस लेवल के जो है सिस्टम, ऑर्गेन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम आज जो फ्रॉग हमने सिलेक्ट किया है राना टिग्रेना एज अ मल्टी सेलुलर एनिमल, इसको आज जो हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉग को डिस्कस करने के लिए हमारे पास ये जो है कलराइज शीट भी अवेलेबल है जिसमें हम जो है कुछ इसके इंटरनल ऑर्गेन्स और एक्सटर्नल जो इसकी स्ट्रक्चर है उन पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि इस वीडियो में हम जो है वो फ्रॉग राना टिग्रेना जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एज अ मल्टी सेलुलर एनिमल, सबसे पहली पॉइंट ये है कि ये जानदार एनिमल जो है ये स्पॉटेड फ्रॉग जो है कॉमनली फाउंड इन आवर रीजन, ये हमारे एरियाज में आपने देखा होगा, ये पॉन्ड्स में, डिचेस में, पोल्स में, यहाँ पे ये जो फ्रॉग पाए जाते हैं स्पॉटेड स्किन वाले राना टिग्रेना जो है इन्हीं जो कॉमन फ्रॉग्स का साइंटिफिक नेम है। और ये फ्रॉग जो पाए जाते हैं ये फ्रॉग एम्फेबिया जो है इन्हें कहा जाता है, एम्फेबिया इसी हिसाब से कहा जाता है क्योंकि एम्फी का मतलब है टू और बिया मीन्स लाइफ, टू लाइव स्पेंडिंग ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉग ऐसा एक यूनिक एनिमल है जो दो टाइप के एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ बसर कर सकता है, एक वाटर वाली लाइफ और एक जो है वो लैंड वाली लाइफ, वन इन वाटर एंड सेकेंड ऑन लैंड। उसके बाद इसको जो है टेट्रापोडा भी समझा जाता है हमारी तरह। टेट्रापोडा का मतलब है कि इसकी बॉडी में जो है वो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स का मतलब है कि चार जो है ये लेग्स हों, या टू कन्वर्टेड इनटू आर्म्स एंड टू कन्वर्टेड इनटू लेग्स इन ह्यूमन बींग, या ऐसे बहुत सारे काउ लाइक बफेलोज ऐसे एनिमल है जिनमें फोर लिम्स कन्वर्टेड इनटू लेग। इसके बाद इसकी बॉडी जो है वो बहुत ही बड़ी यूनिक है, बॉडी विच इज टेललेस। एक तो बात ये है कि इसमें टेल नहीं है, बिल्कुल टेललेस जो है वो बॉडी है, एंड नेकलेस, एंड इसके अंदर जो वो नेक भी नहीं है। नेक का मतलब है कि ऐसी नेक जिससे हेड जो है वो इजीली मूव हो सके साइड्स में, तो इस हिसाब से फ्रॉग का हेड जो है और उसकी जो बॉडी है ट्रंक एरिया उसके बीच में जो है ऐसी नेक नहीं है, तो
तो उस हिसाब से नेकलेस बॉडी है और ये बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक बॉडी का जो हिस्सा है अपर वाला कॉनिकल हेड है, कॉनिकल का मतलब है एक जो है इस शेप वाला, ये जो आप हेड देख रहे हैं उसको जो है वो कॉनिकल हेड कहा जाता है। और उस कॉनिकल हेड में जो है एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होती हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स का मतलब है यहाँ पे जो है वो टू होल्स पाए जाते हैं जहाँ से ये जो है एक्सटर्नल एयर या एनवायरमेंटल एयर को जो है वो इनहेल करता है। और उसके बाद जो है बिल्जिंग आइज एंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, हेड के एरिया पे जो है वो बिल्जिंग आइज का मतलब है इसकी आइज जो है वो उभरी हुई बाहर निकली हुई ऐसी जो है फील होती है तो उनको बिल्जिंग आइज कहा जाता है। जो बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड हेड के बिल्कुल अपर साइड पे जो ये मौजूद होती हैं और उन आइज के पीछे जो है टू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो हियरिंग का काम करती हैं, ये साउंड वेव्स को जो है वो कलेक्ट करने का काम करती है। जैसे हमारे जो है ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना लाइक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो फ्रॉग में जो है वो वॉइस को जो है कंडक्ट करने की जो मेम्ब्रेन है उनको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद इसका आ जाता है ट्रंक एरिया। ट्रंक एरिया का मतलब है हेड के अलावा बाकी जो है बॉडी पार्ट। एक तो बात ये है कि इसकी स्किन जो है वो बहुत ही यूनिक और स्लिमिंग है। स्लिमिंग का मतलब है वो बिल्कुल ऐसी वाटरी है, वो बिल्कुल ऐसी स्लिमी है, पानी वाली है और आपको ये इजीली जो है वो पकड़ में नहीं आएगा। और इसके बाद हैव डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स इंटरनली, इसकी इस ट्रंक एरिया में जो है डिफरेंट जो है वो ऑर्गेन सिस्टम पाए जाते हैं विजिबल ऑर्गेन के साथ। और वो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो फ्रॉग के जिस्म में जो है वो पाए जाते हैं। फ्रॉग जो है इसकी जो ये टू जाज पाई जाती हैं, जो माउथ वाला एरिया और माउथ की जो टू जाज पाई जाती हैं, ये टू जाज जो है ये टीथलेस हैं, इनमें हमारी तरह जो है कोई भी टीथ नहीं पाया जाता। इसमें इसकी जाज में जो है वो मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं, वो टीथ जो फूड को जो है एस्केप होने से जो है वो रोकते हैं, लेकिन उन टीथ का जो है फूड को ग्राइंड करने में या उसको कटिंग करने में कोई उनका जो है वो हाथ नहीं है। तो इस हिसाब से इसकी जो बहुत जाज हैं ये जो है टीथलेस हैं। और इसके अलावा इसकी जो जबान है वो बहुत बड़ी यूनिक है क्योंकि और वो यहाँ से लोअर जाके इस एरिया पे जो है वो अटैच है और पीछे से जो है बिल्कुल फ्री है। और फ्रॉग ये जो है ऐसे इसको बाहर निकलता है किसी भी अपने जो है प्रे को पकड़ने के लिए, और वो जब प्रे इस टंग स्टिकी टंग से अटैच हो जाता है तब वो टंग जो है वो स्मूथली पीछे चली जाती है फेरेंक्स की तरफ और वो प्रे जो है उसको जो है वो स्टोमक की तरफ भेजा जाता है। और फूड को जो है वो ग्राइंड करना या ऐसा कुछ जो है कोई भी काम इसकी ओरल कैविटी में नहीं होता। अगर आप इस कलराइज डायग्राम से अगर आप फ्रॉग की स्टडी करें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो है ये टंग है, इसकी जबान है जो वी शेप्ड है, उसके बाद ये बिल्डिंग जो है ये आई है, आई के बाद ये जो है ये ब्रेन पाया जाता है जो अपर जो है डोरसल साइड पे ये अपर साइड पे होता है, और ब्रेन के बाद ये लंग हैं दोनों, ये राइट और ये लेफ्ट। उसके बाद ये जो रेड एरिया है ये लिवर है, और लिवर के बाद ये जो एरिया पाया जा रहा है ये गाल ब्लेडर कहलाता है, और इसके बाद ये जो कोइल्ड आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इसका जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके बाद ये जो पूरा एक एक्सपेंडेड लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन जो है इसे क्लोएका कहा जाता है, अ बेग विच स्टोर द अनडाइजेस्टेड मैटर। और इसके बाद अगर आप देख लें तो इस बेग का जो ओपनिंग एरिया जहाँ से ये अनडाइजेस्टेड मैटर एक्सक्रिएट होता है एक्सपायल होता है तो उसे जो है क्लोएकल अपर कहा जाता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें ये यूरिन जो है वो स्टोर करता है। और इसके बाद ये जो पाया जाता है ये लीफ लाइक ये स्टोमक है, और स्टोमक के साथ ये स्प्लीन भी पाया जाता है, ये इसकी जो है वो हार्ट है, और ये दोनों जो है ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो ये फ्रॉग की जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जो इस मल्टीसेल्युलर एनिमल में पाई जाती हैं। फ्रॉग एक यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसमें एक तो टेल नहीं है, इसमें जो है वो नेक नहीं है, इसकी दोनों ओरल कैविटीज जो है वो टीथलेस हैं, और इसके बाद इसकी स्किन जो है ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि स्किन जो है वो गैसियस एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व है। जब फ्रॉग जो है वो
जब टेम्परेचर लो होता है लाइक इन विंटर सीजन, तब ये फ्रॉग जो है वो ये जो पानी होते हैं डचेज में, पोल्स में, पॉन्ड्स में, उनकी जो बॉटम एरिया है नीचे वाली, वहाँ पे जाके अपने आप को उस ज़मीन में जो अपने आप को कवर कर लेता है जब तक यहाँ पे ऊपर जो है विंटर सीजन चल रही होती है तब तक। इस विंटर सीजन में फ्रॉग के इस प्रोसेस को हम जो है वो हाइबरनेशन कहते हैं, जिसे आप विंटर स्लीप भी कह सकते हैं। और जब ये समर सीजन आती है जिसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, तब फ्रॉग अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करता है, वो पानी के जो है वो बॉटम एरिया में जाके वहाँ पे अपने आप को उस मट्टी में जो है वो कवर कर लेता है, और जब तक यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है तभी अपने आप को वहीं पे रखता है। तो इस समर सीजन में इस प्रोसेस को जो है वो एस्टिवेशन कहा जाता है, और उसे हम जो है समर स्लीप भी कह सकते हैं। फ्रॉग सोयल के अंदर भी अपनी स्किन को जो है वो यूज़ करके गैसियस एक्सचेंज करवा सकता है। फ्रॉग जो है वो धरती पे बकल रिस्पायरेशन भी कर सकता है, मसलन बकल कैविटी से या माउथ से जो है वो गैसियस एक्सचेंज करवा सकता है। उसके अलावा जो है वो नोस्ट्रल से भी अपने लंग्स को यूज़ करके जो है वो गैसियस एक्सचेंज करवा सकता है। तो इस हिसाब से फ्रॉग के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज के जो है वो 3 यूनिक प्रोसेस पाए जाते हैं, बकल रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रेस्पायरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, जो चमड़ी से ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो करवाता है। तो इस हिसाब से ये फ्रॉग जो है ये बहुत ही ऐसा समझें कि यूनिक टाइप ऑफ एनिमल है। फ्रॉग का जो फूड है वो इंसेक्ट्स है, ये जो है अपनी यूनिक टंग की मदद से जो है इन इंसेक्ट को जो है वो हंट करता रहता है, और उन्हें डायरेक्टली फेरेंक्स के नीचे स्टोमक की तरफ भेजता रहता है, और स्टोमक उससे डाइजेस्ट करता है। तो इस हिसाब से ये था यूनिक टाइप ऑफ एनिमल जो हम एज अ मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल लेके स्टडी कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने मल्टी सेल्यूलर एनिमल पे कवर किया, और ये चैप्टर जो है हमारा पूरा हुआ। अब हम मिलेंगे जो है सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय।